सनफ्लैग आयरन, सनफ्लैग के नाम से आपको कोड मिल जाएगा सर। ये स्टॉक में यस सर, सर इसमें कल भी 20 तक का सर्किट लगा हुआ था और आज भी स्टॉक बुलिश चल रहा है, रहना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग हो चुका है, इसलिए मैं इसको अभी अवॉइड करूंगा। ये स्टॉक 9900 तक डिप आएगा तभी एंट्री करूंगा स्टॉक में। सर है ना बहुत बड़ा हो चुका है, तो क्या रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल हो रहा है यहाँ पर एंट्री करना, इसलिए एक डिप आए तो ही एंट्री करनी अपनी। ठीक है चंद्र जी, इसमें जो कुछ दर्शक जो देख रहे हैं वो एक चीज नोटिस कर रहे हैं जो कमेंट में भी है कि गौरव जी भी कह रहे हैं कि करीब 4 साल बाद का ब्रेकआउट दे रहा है। सर ब्रेकआउट दे रहा है पर ये जो ब्रेकआउट आया है ये ऑलमोस्ट 65-70 के जोन से ब्रेकआउट होकर 110 हो गया स्टॉक। 1/4/2022 को इसने लो बनाया था 62 का और आज का हाई इसका ऑलमोस्ट 110 का है, 110-11 का है, तो ऑलमोस्ट स्टॉक 60-70% का मूव दे चुका है विद इन 15 दिन के टाइम फ्रेम पे, तो ये रहना बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इसीलिए एक टिप तो सर इसमें वॉरेंटेड है, आज आए या 3 दिन बाद आए तो मैं उस टिप पे स्टॉक को बाय करूंगा। तो इसका भी ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट जोन हो गया वो 93-94 का हो गया, तो एक ब्रेकआउट जोन तक की डिप आएगी वहां पर एंट्री करके बेनिफिशियल होगा अपने लिए। ठीक है, ये राय है सनफ्लैग आयरन पे, क्यों क्या स्ट्रेटेजी कब बनानी है बता दिया चंद्र जी ने। ठीक है,